बेटा दीदी का हेलो बोलो। नहीं नहीं बोल रही। ठीक है, आप लोग मास्टर बेडरूम में हो लेना, हम लोग वो छोटे वाले हॉल में हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हम मास्टर बेडरूम में एडजस्ट कर लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। हाँ हो जाएगा मैनेज, कोई टेंशन की बात ही नहीं ना, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तू प्यारी है। ठीक है तुम सो जाना सोफा पे। सोफे पे एक्चुअली सोने से सेहत सही रहती है। नहीं सर, बुरा मानने वाली कौन सी बात है, और सोफे पे अच्छी नींद आती है, मुझे तो आती है बहुत अच्छी नींद। ये तो तीन लोग आए हैं तो सोफा नसीब में आया है, पिछले बार पांच लोग आए थे चटाई थी नसीब में। आशू भैया के शादी में तो मैं किचन में सोई थी सिंक के पास बिना तकिए के। अरे नहीं, वो नया तकिया आपका है बुआ। हाँ ब्लैंकेट भी नया वाला है, आराम से सो जाइए, कुछ होगा तो उठा देना मुझे, मैं तो यहीं हूँ पड़ी। गुड नाइट गुड नाइट। एक बात तो है, गेस्ट आते हैं ना तो घर में एक अलग ही एनर्जी होती है, चहल पहल में मजा आता है। गुड नाइट। कंफर्टेबल तो है इतना, मैं ही लंबे हूं ना। भूकंप आया क्या? गुड मॉर्निंग। लेट उठ गई यार, साढ़े सात बज गए सुबह के। उठो उठो, सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, उठ के जल्दी जल्दी। साढ़े छह बजे मुझे नींद आई है सुबह के। सबको पता है साढ़े छह की नींद कितनी प्यारी होती है, कैसे कैसे मन को बहला के जंकू के सपने देख देख के सोई थी मैं, और सुबह उठते इतना भयानक नजारा। यही जिंदगी रह गई है मेरी अभी। अरे उठ गई हो तो जाओ आलू ले आओ, पराठा बनाना है। पूरा उठी भी नहीं हूँ अभी तक और मेरी दिहाड़ी मजदूरी चालू। आलू, अरे पराठे बन रहे हैं क्या दीदी? मक्खन है बेटा, मक्खन ले लेना, मक्खन के बिना कैसे पराठे। मक्खन? ये मेरे सर पे कूद रहा है झाड़िया, और अब इसको मक्खन खाना है। अरे मक्खन खाना तो कूदो मत, कूद रहे हो तो मक्खन मत खाओ। अरे कोई सेंस बन रहा है क्या मेरे सर पे ये जंपिंग जैक करने का? निकली कि नहीं अभी तक? जा रही हूँ। एक दिन में दस दस राउंड होता है नीचे का। ये लाओ सामान, वो लाओ। वाले मेरा गाना तो बजा दे, थोड़ी वॉल्यूम तू भी। मेरा बात कॉम्प्लेंट है बुआ यार, पर्सनल हाइजीन का कुछ हो ही नहीं है, मतलब किसी के भी कपड़े पहन लो, चट्टी बड़ा पहन के घूमने लगेंगे यार ये लोग अभी। भाभी आपकी लुटे हैं। हाँ अरे पिंकी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, पिंक पिंक। ये बाथरूम का मटेरियल तो बहुत अच्छा है, ये तुम रख लो, नेहा के आओ तो दूसरा ले लेगी। क्या ले लो? मैं इनसे पूछूं? मैं जैकेट नहीं है, वो बाथरूम है, लकी ने मुझे दिया था यार बर्थडे पे। अरे नहीं बताइए ना। अरे नहीं तुम रख लो, कहाँ बताएंगे फिर, कहाँ जाओगी लेने। ठीक है आप इतना बोल रही है तो हाँ रख लो अभी इतना। वैसे भी तुमने पहन लिया, अब नेहा जला देगी इसको। एक नंबर की हरामी, इतनी मुफ्त खोर है ना, घर खा जाए मेरा ये, अब छोला खाएगी। हट जा आलू ले लो अपने। अरे रूम फ्रेशनर यहाँ है, बताओ अंदर ढूंढ रहा था मैं।
वाली गलती वापस रिपीट नहीं करूंगी मैं। क्या रखा यार? निकल भाई, मुझे जाना है अंदर। क्या शूट कर रहा है? टॉयलेट मुझे यूज करना है अभी। पहले फूफा जी नारक करके रखे, अब तुम करके रखो। मतलब इंसान सुसु ना कर सके अपने घर में। अंदर आके शूट कर ले, लाइन कौन निकालेगा? मेहमान नवाजी, अतिथि देवो भव, सब अपनी जगह। ये मेहमान का साड़ी, पेटीकोट, चड्डी, बनियान हम सुखाएंगे, ये रिवाज किसने निकाला है? ऑफ कोर्स ग्लव्स पहन के चड्डी सुखाऊंगी यार। कम ऑन, हमारे घर पे हमारे पापा और भाई अलाउ नहीं करते हैं उनका ऐसा अंडरगारमेंट्स टच करना। यार अपना कपड़ा धो रहे हो आप, अपना पेटीकोट धो रहे हो, ब्लाउज धो रहे हो, चड्डी वड्डी धो रहे हो, फैला भी दो ना। बेसिक एटिकेट्स यार, कम ऑन, किस जमाने में थे, किस जमाने में आ गए, चेंज तो करो। तो औरतों वाली मम्मी, मैं नीचे से आ रही हूँ। गिर गई तो मैं क्या? भाभी कुछ काम है तो बताइए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, आप इतना लोड मत लीजिए, कर देती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं कर लूंगी। मैं आलू छील देती हूँ आके, सब्जियाँ काट देती हूँ। अरे नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। मैं रोटी बना देती हूँ, दाल में तड़का मैं दे दूंगी, सलाद काट देती हूँ मैं भाभी। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, पापड़ तल देती हूँ, चटनी पीसती है क्या? खाना लगाने में मदद कर देती हूँ मैं आके भाभी। अरे मैं कर लूंगी ना, कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ ना। हाँ भाभी, किचन से आ रही तो एक गिलास ठंडा पानी लेते आइएगा। अरे ला रही हूँ ना मैं पानी। ये काम करेगी काम चोर, इसके ससुराल में ना लोग इतनी खिल्ली उड़ाते हैं इसके पीछे। हमारी सास कहती थी हम एक नंबर की नालायक और काम चोर औरत है ये, कुछ नहीं आता इसको, आलू की सब्जी नहीं बना पाती है। अब यहाँ आके बड़ा ऑफर कर रही, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अरे उठ के कर दो, चिल्ला क्या रही हो वहां से, कर दो। बैठी होगी मैडम बनके ऐसे पैर क्रॉस करके, टीवी देख रही होगी। टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ये काम करे, अपने घर पे कर नहीं रही, हमारे घर आके काम करेंगी। क्या मैं अपने भाई के घर आई हूं? ऐसे जज कर रहे जैसे। बंद करो भाई, कहा ना भाई के घर आई हूं। तुम कौन हो? ये कौन है जो शूट कर रहा है सबको? कब से लिपस्टिक सही से लगी? अरे भाई, हमारी चट्टी देखी किसी ने? पिंकी, मेरा टॉवल नहीं है, पापा का है। अब ये उनके और उनके जीजा जी के बीच का मैटर है। अरे नहाना था, लेट हो गया, 12 बज गए। वो खिलौना नहीं है, उसको छुओ मत। ये आपका है। अच्छी अच्छी बाबू हो ना, मत छुओ उसको, खिलौना नहीं है वो। ये आपका है, देखो खराब नहीं कर देना। हेलो हेलो मम्मी, हेलो माई, हेलो हेलो, मैं पानी पानी हो गई। मुझे पढ़ना है। एक बार समझाना, देखो समझता नहीं है, चाहिए नाश्ता दू? मैं मारूंगी आपको। रख दो बाबू, चोट लग जाएगी बेटा आपको। हवा करो ना, ठंडा हवा। बेड पे नहीं, बेड से उतर के खेलो, बेडशीट गंदी हो जाएगी ना, देखो आपके पैर कितने गंदे हैं। आपको ठंडा हवा चाहिए? दूंगी ना इधर से, घर पे जाएगी सीधा अपना। ये क्या है इसको खा? रख रख दो उसको, उसको रख। ये तो पापा है। ए गुड़िया नहीं है वो, एक्शन फिगर है, ड्वाइट श्रूट। इससे नहीं हो रहा, मैं इसकी जगह ले लूंगी, नंगी जाने, मेरे को मेरे हाथों में बच्चे का खून नहीं चाहिए। मारती रहा, कसम से रो गई।
अरे अपने बच्चों को सिखा के लाओ ना यार, दूसरे के घर पे कैसे बिहेव करते हैं। याद का है ये मैं ले लूं ये। अरे तेरे बाप का है क्या? क्या बदतमीज़ है, ज़ूम कर। क्या है ये, क्या जाहिलपन है ये? हाँ मेहमानों के लिए अलग साबुन ला के रखा था मैंने, महंगा वाला है वो, सस्ता वाला भी नहीं है, फिर भी मेरा साबुन यूज कर रहे हैं यार। कहाँ कहाँ डाला उन्होंने, कहाँ कब आ रही है, कोई एक्सप्लेनेशन है इसका? सारा अरेंजमेंट करके रखा है, आपके लिए अलग टॉवल है, आपके लिए अलग साबुन है, आपके लिए अलग अरे कंघी लाओ ना यार अपना। पिंकी बहुत बढ़िया यार, लेते चलेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। होटल में आए हो क्या? होटल वाले कंघी नहीं देते हैं, और देते हैं तो भाई 5 स्टार होते हैं, 3 स्टार में तो नहीं देते हैं। एक तो उनकी बच्ची ने जीना हराम कर दिया है, इतनी बड़ी हो गई है, अरे टॉयलेट में जाके सूसू करो ना, कभी बिस्तर पे कर देगी, कभी फ्लोर पे कर देगी, किचन में कर देगी, कुत्ता हो क्या? जहां मन करे वहां पे। नहीं मुझे इसके तह तक जाना है, किसने यूज किया, किसने है ये? अरे बेटा बहुत बढ़िया साबुन है वो, उसकी खुशबू बहुत पसंद आई हमको। मेरे हाथ में एक खून लिखा है, बाबा जी ने बचपन में प्रेडिक्ट किया था, इस झाड़े का खून करके ना सारे सबूत मैं इस साबुन से मिटाऊंगी। ये मेहमान लोग आते हैं ना, दिमाग का बहुत दही हो जाता है, दिन भर काम काम, नीचे जाओ इधर काम उधर काम, सोना हराम। बट एक चीज़ अच्छी होती है, खाना। अभी देखा सुबह आपने ब्रेकफास्ट में आलू पराठा, अभी लंच में मैंने मम्मी को पटाया मटर पनीर और पुलाव बन रहा है, मेरा फेवरेट एक्चुअली, लेकिन एकदम रॉयल स्प्रेडेड डूड, मटर पनीर, पुलाव, कचौड़ियाँ, पापड़, अचार, सलाद, चटनी, डेजर्ट में खीर, रात को गुलाब जामुन, मज़ा ही आ जाता है। मैं बस रुकी हूँ, ये मेहमान लोग खा के हटे, फिर मैं आराम से खाऊं। नेहा, कॉल ऑफ ड्यूटी, मजदूरी का अगला कॉल, ठंडा थम्स अप, गर्मा गर्म। अरे लंच कर लो बेटा, चलो। खाने के लिए बुला रही है मम्मी, खाना खाने बुला रही, मैं तो कुछ और ही समझी थी, मटर पनीर। हटना भाई, तुम लोगों को मटर पनीर अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट है पनीर, पनीर। नहीं मतलब मैं क्या खाऊं, तेज पत्ता और मटर की ग्रेवी, पनीर कहाँ है? सारा पनीर खा गए वो लोग, सारा पनीर दे दिया। अरे हरिओम, पनीर बहुत कमाल बने बेटा, खाया आपने? बड़े कमाल बने, बड़े स्वाद है। थैंक यू, खाइए, खा लीजिए खाना। हाँ हाँ, ये चूरा कहाँ है, डाइजेस्ट वाला? खा लो झाड़िया, एक पनीर नहीं छोड़ा है, सब निकल गया है, ये धीरे धीरे घर निकल जाएगा हमारा। निहारिका सिंह बोलो। मैम साहब को बोलो। मैं हूँ मैम साहब, निहारिका सिंह बोलो। संजय क्या मतलब? कुछ भी, मेम साहब को बुलाओ मतलब क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट लेना नहीं। सर मेरा लिया नहीं। बोल दो। तो मैं कह रहा था कि जैसे हम मेहमान लोग होते हैं तो बहुत लोग हैं जो अति तंग कर देते हैं जाके होस्ट को, वो नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो चाहते हैं कि हम उनके घर बार बार जाएं, तो हम अच्छे मेहमान हैं। चलिए फिर ये आप डाल दीजिएगा, और ये भाई साहब ये एंड वाला काट दीजिएगा, थोड़ा समोसा खा लिए थे दोपहर को, गैस हो गई। के रखा था अपना कटोरी में करके एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन छुपाया है, वो भी ऐसे फ्रिज के सामने, वो
गुड़िया का हाथ हर जगह पहुंच जाता है फ्रिज में। लो खाओ अपना गुलाब जाओ। मेरा यही वाला छुपा के रखा था मैंने, तो मैंने निकाल के फ्रिज से किचन टेबल में गैस के नीचे छुपा के उस ओर रख दिया था, तब जाके बचा है। मुझे पता था वो कितना बचा। खा लो पप्पी। क्या खा रही है मोटी? मैं कल